हेलो फ्रेंड्स, जब हम अपने व्रत के लिए साबूदाना बनाते हैं तो हमारा एक दो कटोरी साबूदाना बच जाता है। फिर बचा हुआ साबूदाना वो जल्दी कोई खाना नहीं चाहता है, तो इसलिए मैं आपको इस बचे हुए साबूदाने से एक नई रेसिपी बताने जा रही हूँ। साबूदाने में और कुछ भी नहीं मिलाना है, बस एक बॉइल्ड आलू मिलाकर एक अच्छा सा लोई बना लेनी है। तरह की टिक्की बना लेंगे और इस टिक्की को इस वफल मशीन के अंदर रख देंगे और इसको दबा देंगे। देखिए, बची हुई साबूदाने की खिचड़ी से कितना अच्छा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।